तो हे वेलकम बैक गाइस ऑन अ न्यू एपिसोड। आई होप आप सभी ठीक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, भाई जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा हूं सबको तो पता ही होगा आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई। तो मैं अभी आप लोगों को गाइस बता दूं कि मॉड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली होगी। क्रेटा 2014 डेसी ओनली बाय जीटी इंडियन मॉडिफिकेशन एंड डेसी 3001 जो कि आपने थंबनेल में देख लोगी। तो गाइस प्लान अभी कुछ ऐसा है कि जो माइकल है वो उसके घर एज अ बिग बिजनेसमैन जाने वाला है, जो वहां पे एक डील के लिए जाएगा। बट गाइज हम लोग माइकल के ड्रेस में कैमरा लगा दिए जिससे वो अंदर की सिक्योरिटी रिकॉर्ड करेगा और बाहर की हम लोग माइकल के ड्राइवर बनकर जाएंगे जो हम लोग देखेंगे। अगर हमने अभी एक लिमोजीन मंगाई थी गाइज, अभी आई तो नहीं है भाई, वो आ जाएगी। हम लोग तुरंत उसी से माइकल को छोड़ जाएंगे। बाकी जो दूसरा बंदर ड्राइवर है वो दोनों वहां पर अलग जगह छुपे रहेंगे उन बंदों को मारने के लिए। गाइज तो अभी फटाफट से गाड़ी को मंगाते हैं और चलते हैं उसके। तो ऑल राइट गाइज, अभी सुबह हो चुकी है और वो लिमोजीन भी आ चुकी है। और गाइस अभी हमको बस खाली ड्राइवर का सूट पहनना है, तो मैं सूट पहन लेता हूँ और फटाफट से हम लोग माइकल को उसके घर लेके चलते हैं और वहां पे आज उसको अपने अंदर कर ही लें। तो ऑल राइट गाइस, अभी हमने फटाफट से भाई ड्राइवर का सूट पहन लिया है और अब भाई माइकल को उसके घर लेके चलना है। गाइस अभी मतलब डर सबके मन में, पूरी टीम के मन में कि वहां क्या होगा गाइस। तो अभी वहां चलते हैं और फटाफट से देखते हैं भाई क्या होने वाला भाई। आज या तो आर या तो पार ही करके आना भाई वहां से और उसको एकदम से खत्म ही कर देना। तो लेट गए, तभी हम उसके घर के पास पहुंच चुके हैं भाई। हमको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और माइकल को उसके घर के अंदर लेके चलते और वहां की सिक्योरिटी देखते भाई भाई ये उसका घर पीछे गया। अरे 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 गाइस, उन्होंने पूरा प्लान चौपट कर दिया भाई माइकल ने। हमें लगता है उनको हमारे आने की भनक हो चुकी थी गाइस, या पहले से शायद कुछ और गया था। और भाई माइकल ने फायरिंग शुरू कर दी उनके, और भाई वो लोग सामने से फायरिंग करे भाई, माइकल भी यहाँ से फायरिंग करे गाइस। भाई हमारी कार का पहिया भी मतलब जाम हो गया। अब गाइस हमें पूरी सामने से फाइट लेनी पड़ेगी भाई। तो भाई मतलब अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है गाइस। माइकल और ड्राइवर को क्या कहते हैं हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और जो तीसरा बंदा था गाइस, उसने इनको खबर करी थी कि भाई ऐसा ऐसा प्लान हो रखा है, क्योंकि गाइस उसको पता चल गया था कि हम उसको अपने बिजनेस में कुछ नहीं देंगे इस काम के बाद। तो गाइस उसने मतलब ये हमारे साथ हमको धोखा दिया है। और गाइस अब मैंने मिनीगन निकाल दिया, अब एक एक को शूट नहीं करेंगे भाई, अब सबको एक ही बार में शूट करेंगे। और यहाँ से बहुत जल्दी उस माफिया को लेकर निकलना पड़ेगा गाइस। उस माफिया को गाइस माइकल ड्राइवर जैसे जैसे निकल गए, और माइकल ड्राइवर अब डायरेक्ट उसको छिपा के चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि उन दोनों को काफी गाइस गोलियां लग गई थी। और मैं अकेली गाइस यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब आम रेस्ट पहन के इन लोग से लड़ रहा हूँ गाइस, और मुझे लड़ना पड़ेगा गाइस मिनीगन से भाई। और लड़ गाइस अभी हमने उसके सारे बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। और गाइस माफिया को तो माइकल और ट्रेवर लेकर निकल गए थे और भाई पुलिस भी हमारे पीछे लग चुकी है। तो अब हमें यहाँ से फटाफट से गाइस भागना होगा, वरना फिर अब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी और उस चौथे बंदे को तो पकड़ना ही पड़ेगा। पहले यहाँ से फ्रैंकलिन के घर चलता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम घर भी पहुंच चुके हैं भाई। और घर पहुंच के पता चला कि भाई माइकल ट्रेवर तो अभी भाई हॉस्पिटल से आने ही वाले हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने उसकी मतलब एक सुपर कार थी जो मैं तो नहीं बैठा, माइकल ड्राइवर उठा लेते जिसमें उस माफिया को लेके आए थे। तो गाइस वो अभी घर के पीछे खड़ी आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, और काफी बढ़िया कार है। तो गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं गाइस सोच रहा हूँ कि भाई फ्रैंकलिन को एक कार गिफ्ट करनी चाहिए माइकल और ड्राइवर को, मतलब अलग अलग कार, क्योंकि भाई उन्होंने हमारे इस प्लान में बहुत हेल्प की है और बिना कुछ मांगे गए, तो हमें उनको करना तो चाहिए भाई, क्योंकि अब से वो हमारे साथ रहेंगे तो आई थिंक हमें उनको करना चाहिए। तो आइए फटाफट से पहले मैं उस सुपर कार को दिखाता हूँ जो वो लोग वहाँ से यहाँ लाकर छोड़ के गाइस। ये यहाँ पर वो लोग शायद ये कार, हाँ गाइस ये वही कार है भाई। गाइस वहाँ से मतलब इन लोग को लाते तो आई थिंक गोली लग गई है, तभी पीछे शीशे में क्रैक आ गया भाई। गाड़ी तो गाइस काफी बढ़िया लग रही है। तो भाई मैं ये शायद फरारी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, ये तो अब कार हम रख लेंगे मतलब तीनों की यूज में आएगी। बट गाइस हमें माइकल और ट्रेवर को एक पर्सनल कार गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब बिना कुछ मांगे बिना कुछ सोचे समझे हमारी हेल्प कर दी है भाई, और काफी बड़ी हेल्प करी। और गाइस वो यहाँ पे रुकेंगे भी तो हमें उनके लिए हेल्प तो करनी चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस क्रेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस वीडियो पे व्यू बहुत कम आ रहे, तो गाइस आप प्लीज वीडियो देखो भाई, अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो एक कमेंट करो, मैं आपके मन की वीडियो बनाऊंगा। बट आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड क्रेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय टाटा।